एक बड़ी प्राचीन कथा है, शायद तुमने कभी पढ़ी हो, पढ़ी हो तो भी तुम समझ ना पाए होगे, क्योंकि वो कहानी इस ढंग से कही गई है कि उसे अज्ञानी पढ़ें तो मनोरंजन समझें, ज्ञानी पढ़ें तो जीवन का परम रहस्य बन जाए। तुमने बैताल पच्चीसी का नाम सुना होगा, तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो भी कोई ज्ञानियों की बात हो सकती है, बैताल पच्चीसी। पर इस देश ने बड़े अनूठे प्रयोग किए हैं, इस देश ने ऐसी किताबें लिखी हैं जिनको बहुत तलों पर पढ़ा जा सकता है, जिनमें परत दर परत अलग अलग अर्थ हैं, जिनमें एक साथ दो तीन चार और पांच अर्थ दौड़ते रहते हैं, जैसे एक साथ पांच रास्ते चल रहे हों, पैरेलल समानांतर। तो जिसकी जो सुविधा हो, एक छोटा बच्चा भी बैताल पच्चीसी पढ़ के प्रसन्न होगा और परम ज्ञानी भी पढ़ के प्रसन्न होगा। खोजी को मार्ग मिल जाएगा, पहुंचे हुए को मंजिल की प्रतिभिज्ञा होगी, जो नहीं खोजी नहीं पहुंचा हुआ है उसके लिए सिर्फ चित्त का मनोरंजन होगा, वो भी क्या कम है, थोड़ी देर को मन बहलाव हो जाएगा। बैताल पच्चीसी की पहली कथा है, पच्चीसों कथाएं बड़ी अद्भुत हैं, लेकिन पहली तुमसे कहता हूं। पहली कथा है कि सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में एक फकीर आया, सुबह का वक्त था, रिवाज के अनुसार लोग सम्राट को भेंट चढ़ाने सुबह सुबह आते थे। उस फकीर ने भी एक जंगली सा दिखाई पड़ने वाला फल सम्राट को भेंट किया। सम्राट थोड़ा मुस्कुराया भी, इस फल को भेंट करने के लिए इतने दूर आने की जरूरत भी क्या थी, लेकिन फकीर है, फकीर के पास कुछ और हो भी नहीं सकता, तो उसने स्वीकार कर लिया। पास में बैठे वजीर को वो देता जाता था जो भी भेंट आती थी, उसने उसे दे दिया। ये क्रम 10 वर्षों तक चला। वो फकीर रोज सुबह आता और रोज वही उसी तरह का फिर एक जंगली फल ले आता। 10 वर्ष और रोज सम्राट वजीर को फल दे देता। न तो उसने कभी पूछा, क्योंकि सैकड़ों सुबह भेंट लेने वाले देने वाले लोग थे, फुर्सत भी ना थी, समय भी ना था, और इस फकीर से पूछने जैसा भी कुछ नहीं लगा। पर एक दिन पास ही सम्राट का पाला हुआ बंदर भी बैठा हुआ था, और सम्राट ने वजीर को फल न देके बंदर को दे दिया। बंदर ने फल खाया और उसके मुंह से एक बहुत बड़ा हीरा जो फल में छिपा था नीचे गिर गया। सम्राट तो चौंका, इतना बड़ा हीरा तो उसने देखा भी नहीं था। वजीर से कहा कि बाकी फल कहां है। वजीर ने ये सोचा था कि जंगली फल है, पर फिर भी उसने सोचा कि सम्राटों के पास संभल के रहना पड़ता, तो एक कटघरे एक तलघरे में वो फेंकता जाता था, कि फलों का करोगे क्या, जंगली थे, खाने योग्य भी नहीं लगते थे, स्वाद भी ठीक नहीं था। तलघरा खोला गया, भयंकर बदबू से भरा था, क्योंकि सारे फल सड़ गए थे, लेकिन उन सड़े हुए फलों के बीच हीरे चमक रहे थे, ऐसे हीरे कभी सम्राट ने देखे नहीं थे। फकीर को कहा कि ये क्या राज, तुम क्या चाहते हो, किस लिए तुम 10 साल से ये भेंट ला रहे हो, और मैं कैसा अज्ञानी कि मैंने कभी देखा भी नहीं, मैंने समझा जंगली फल। उस फकीर ने कहा, होश ना हो तो जिंदगी ऐसे ही चूक जाती, दूसरी समानांतर अर्थ की धारा शुरू होती। उस फकीर ने कहा, रोज ही जिंदगी लाती है, लेकिन जंगली फल समझ के तुम फेंकते चले जाते, और हर फल के भीतर हीरा छिपा है जैसा तुमने कभी देखा नहीं। खैर, जो हुआ हुआ, अब पीछे की तरफ मत जाओ अन्यथा फिर तुम चूक जाओगे, और आगे की तरफ भी मत दौड़ो, क्योंकि मैं देखता हूं सपने दौड़ रहे हैं, क्योंकि इतने हीरे दुनिया के तुम सबसे बड़े सम्राट हो गए। आगे भी मत जाओ, पीछे भी मत जाओ, मैं कुछ और तुमसे कहना चाहता हूं, वो सुन लो। सम्राट सजग होकर बैठा, यह आदमी कोई साधारण नहीं, अब तक समझे कि फकीर, जिंदगी साधारण नहीं है,
और जिंदगी ने तुम्हें जो दिया है वो बिल्कुल असाधारण, लेकिन तुम्हें होश नहीं। तुम हंसोगे कि 10 साल तक ये आदमी क्यों बेहोश रहा, तुम कई जन्मों से हो राजा वीर विक्रमादित्य, तुम भी हो, हजारों साल से तुम ऐसे ही बैठे हो और जिंदगी रोज फल दिए जा रही, हर पल छिपा हुआ जीवन का हीरा तुम्हारे पास आता। अब ये कोई साधारण आदमी ना था, राजा संभल के बैठ गया। उसने कहा कि कहो, तुम्हारी एक एक बात सुनने जैसी। उसने कहा कि मैं 10 वर्ष से आ रहा हूं इसी प्रतीक्षा में कि किसी दिन तुम जागोगे, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी चाहता हूं जो वीर हो वो तुम हो, इसलिए विक्रमादित्य का नाम है वीर विक्रमादित्य। सिर्फ 2 आदमियों को भारत ने वीर कहा, एक महावीर को, एक विक्रमादित्य को। निश्चित तुम वीर हो, इसमें कोई शक शुबा नहीं, लेकिन काफी नहीं है वीर होना। इसलिए मैं चाहता था जब तुम जाग जाओ वर्तमान के प्रति, तब मेरे काम के हो सकते हो। अब दोनों बातें घट गई, अब तुम महावीर हो। होश और साहस। मैं एक बड़े महान तंत्र के कार्य में लगा हूं, उसमें मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत हो जो बहुत वीर हो, जिससे कोई चीज भयभीत ना कर सके, और जो होशपूर्ण हो। अगर तुम तैयार हो तो आज अमावस की रात है, तुम सांझ मरघट पर पहुंच जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। वो फकीर तो चला गया। सम्राट ने कई बार सोचा भी कि झंझट में पड़ना कि नहीं, लेकिन फिर ये तो कायरता होगी। और ये आदमी ऐसा है कि इसके साथ थोड़े दूर जाने जैसा है। पता नहीं, जैसे हम जंगली फल को फेंकते रहे, पता नहीं मरघट में कौन से स्वर्ग का या मोक्ष का द्वार खुल जाए। तो समझा बुझा के डर भी लगता था, बहादुर से बहादुर आदमी भी डरता है। तुम ये मत सोचना कि सिर्फ कायर डरते हैं, डरते तो बहादुर भी हैं। फर्क क्या है बहादुर और कायर में? बहादुर डरता है तो भी करता है, कायर डरता है भाग खड़ा होता है। डरते दोनों ही हैं, डरने के संबंध में कोई फर्क नहीं, क्योंकि जो डरे ही नहीं वो तो बहादुर भी क्या उसको कहना, वो तो लोहे लकड़ी का पत्थर का बना हुआ आदमी है, वो बहादुर भी नहीं जो डरे ही ना। डर तो स्वाभाविक है, लेकिन बहादुर डर को किनारे पर रख देता और घुस जाता, और भयभीत डर को सिर पर रख लेता, भाग खड़ा होता। खैर, आधी रात विक्रमादित्य पहुंच गया मरघट पर। बड़ा डर लगता था, बड़ी भयंकर रात थी, और साधारण रात नहीं मालूम होती थी, कभी मरघट आया भी नहीं था, महलों में ही सदा रहा था, मरघट सिर्फ शब्द ही था। तुम भी कभी रात अमावस की आधी रात मरघट जाओ, तब तुम्हें शब्द का अर्थ पता चलेगा। शब्दकोश में इसका अर्थ नहीं लिखा है। मरघट एक बड़ी अनूठी घटना है, चारों तरफ रहस्य, भय, खतरा, भूत प्रेत, चीख पुकार, और वो तांत्रिक फकीर अपना मंडल रच के बैठा है, नग्न खोपड़ियां, एक जिंदा लाश, लाश को काट रहा है, उसने सब इंतजाम अपना कर रखा है जो उसे करना है। सम्राट से उसने कहा, आ गए ठीक, यहां से थोड़ी दूर, वो दूर दिखाई पड़ने वाला जो वृक्ष है, वहां एक लाश लटकी हुई, तुम्हें उस लाश को वृक्ष से उतार के ले आना है, लेकिन ध्यान रखना, सजग रहना और शांत रहना, क्योंकि जरा चूके कि ये कृपाण की धार पे चलना है, जरा चूके कि गए फिर मैं भी सहायता न कर सकूंगा। धड़कती छाती से विक्रमादित्य उस वृक्ष के पास पहुंचा, वहां बड़ा भय लगने लगा उसे, क्योंकि वहां कोई भी ना था, बिल्कुल अकेला था, और उस बड़े वृक्ष में लाशें लटकी हुई थी, एक नहीं 25, बड़ी बदबू आ रही थी। किसी तरह नाक को अवरुद्ध करके वृक्ष पर चढ़ा, हाथ पर कपड़े थे, वृक्ष पर चढ़ना मुश्किल था, किसी तरह उस लाश का की डोरी काटी, वो लाश जमीन पर धम से नीचे गिरी, न केवल गिरी, खिलखिला के हंसी। विक्रमादित्य के प्राण छूट गए होंगे, सोचा था मुर्दा है तो जिंदा मालूम होता है।
जिंदा भी अजीब हालत में है, घबराया हुआ नीचे आया और उससे पूछा, क्यों हंसे, क्या मामला है? बस इतना कहना था कि लाश उड़ी वापस जाके वृक्ष से लटक गई। और लाश ने कहा कि शांत होना तो ही तुम मुझे उस फकीर तक ले जा सकोगे, तुम बोले चूक गए। दोबारा लाश को काट के नीचे लाया, बड़ा मुश्किल था चुप रहना, क्योंकि जब आदमी को भय लगता तब वो कुछ बोलना चाहता, बोलने से भी थोड़ी राहत मिलती, गीत गुनगुनाने लगता है, थोड़ी हिम्मत बढ़ती, मंत्र पढ़ने लगता है, राम राम जपने लगता है, कोई सहारा चाहिए। अब बोलना भी नहीं, शांत भी रहना, भयंकर सन्नाटा और चारों तरफ मौत। शायद आदमी इसीलिए अतीत की सोचता है, भविष्य की सोचता है, क्योंकि डरता है। वर्तमान के क्षण में जीवन भी है और मौत भी दोनों, क्योंकि वर्तमान में ही तुम मरोगे और वर्तमान में ही जीते हो। न तो कोई भविष्य में मर सकता है न भविष्य में जी सकता है, तुम भविष्य में मर सकते हो, जब मरोगे तब अभी और यहीं वर्तमान के क्षण में मरोगे। आज मरोगे, कल तो कोई भी नहीं मरता, कल तो मरोगे कैसे, कल तो आता ही नहीं। जब मर नहीं सकते कल में तो जियोगे कैसे, कल का कोई आगमन ही नहीं होता, कल है ही नहीं, जो है वो अभी और यहां। बोले कि चूक जाते हो, सोचे कि चूक जाते हो, बड़ा कस के उसने अपने को रोका, आदमी बहादुर था। मुर्दा नीचे फिर से काट के गिर पड़ा, भयंकर खिलखिलाहट की आवाज आई, छाती कप गई, नीचे उतरा, मुर्दे को कंधे पर रखा, चलने लगा। मुर्दे ने कहा, सुनो, राह लंबी, रात अंधेरी, और तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए एक कहानी कहता हूं, ऐसी पहली कहानी। उसने कहा कि तीन युवक थे ब्राह्मण, ये विक्रमादित्य सुनना भी नहीं चाहता था, पढ़ना भी नहीं चाहता था चक्कर में, क्योंकि जब तुम सुनो तो पता नहीं बीच में बोल उठो या कुछ हो जाए, या कम से कम सुनने में लग जाओ और जो तुमने संभाल रखा है अपने को वो चूक जाए, क्षण में चूक सकती है बात। मगर इससे नहीं कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि नहीं कहते ये लाश उठेगी और फिर वृक्ष पे चढ़ना पड़ेगा, फिर काटो। तो वो चुप ही रहा और वो मुर्दा कहानी कहने लगा। उसने कहा, एक गुरु के आश्रम में तीन युवक थे, तीनों ही गुरु की लड़की के प्रेम में पड़ गए। कहानी में रस आने लगा, प्रेम की कहानी में किसको रस नहीं आता। विक्रमादित्य थोड़ा बेहोश होने लगा, संभाल रहा है, लेकिन उस सत्ता जग गई जिज्ञासा की, फिर क्या हुआ। तीनों एक से थे, योग्य थे, अप्रतिम थे, प्रतिभाशाली थे। गुरु मुश्किल में था कि किसको चुने, युवती भी मुश्किल में थी कि किसको चुने। कोई उपाय न देखकर युवती ने आत्महत्या कर ली, कोई रास्ता ही ना मिला, और ये तीन के बीच वो बड़े द्वंद में घिर गई। और तीनों चुनने योग्य थे और मुश्किल था किसको छोड़े, और जानती थी जिसको छोड़ेगी वही जीवन भर पछतावे का कारण रहेगा, दो को छोड़ना ही पड़ेगा, तीन से तो विवाह हो नहीं सकता। बड़ी अड़चन थी, हल कोई था ना, हल न देख के आत्महत्या कर ली। लाश जलाई गई, एक युवक उन तीन में से तो मरघट पर ही उसी राख के पास रहने लगा, उसी राख की धुनी रमा लेता और वहीं बैठा रहता। दूसरा युवक इतने दुख से भर गया कि यात्रा पर निकल गया अपना दुख भुलाने को, घूमता रहेगा संसार में, अब बसना नहीं है, क्योंकि जिसके साथ बसना था वही ना रही, अब घर नहीं बसाना, वो परिव्राजक हो गया, एक फकीर भटकता हुआ आवारा। और तीसरा युवक किसी आशा से भरा हुआ, क्योंकि उसने सुन रखा था कि ऐसे मंत्र भी हैं कि अस्थि पंजर को पुनरुज्जीवित कर दे। तो उसने सारी अस्थियां इकट्ठी कर ली, रोज उनको गंगा ले जाता, धो के साफ करता, फिर ले आके रख लेता। वर्षों बीत गए, जो घूमने निकल गया था यात्रा पर उसे एक आदमी मिल गया जो मंत्र जानता था, उसने उससे मंत्र सीख लिया, मंत्र का शास्त्र ले लिया, भागा। अब डरा, वो घबराया कि पता नहीं अब अस्थि पंजर बचे भी होंगे, क्योंकि वो तो कभी के फेंक दिए गए होंगे,
लेकिन आके आश्वस्त हुआ, अस्थि पंजर बचाए गए थे, उनको संजो कर रखा था उसके साथी ने। उसने मंत्र पढ़ा, वो युवती पुनर्जीवित हो गई, पहले से भी ज्यादा सुंदर, मंत्र सिक्त, उसकी देह स्वर्ण जैसी, अभी अभी ताजी, जैसे कमल का फूल अभी अभी खिला हो। फिर कलह शुरू हो गई, क्या वो किसकी? अब तक सम्राट भी भूल चुका था कि वो क्या कर रहा है, और ये सुनने में लग गया था जैसा तुम सुनने में लग गए। उस मुर्दे ने पूछा कि सम्राट गौर से सुनो, क्योंकि फिर झगड़ा खड़ा हो गया। अब सवाल है, इन तीन में से युवती किसकी, तुम्हारा क्या ख्याल है? और अगर तुम्हारे भीतर उत्तर आ जाए, और तुमने अगर उत्तर न दिया तो तुम इसी क्षण मर जाओगे। हाँ, उत्तर ना आए कोई हर्जा नहीं, बड़ा मुश्किल है उत्तर का ना आना, आदमी का इतना बस थोड़ी है अपने मन पर। कोई बुद्ध पुरुष हो तो ना आए, ठीक है, सुन लिया प्रश्न, उत्तर ना आया कोई हर्जा नहीं, विक्रम आदित्य बड़ी मुश्किल में पड़ा, उत्तर तो आ रहा है। बुद्धिमान आदमी था, तर्कनिष्ठ था, समझदार था, शास्त्र पढ़े थे, तर्क साफ था, अब वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसने कहा कि बोल, अगर उत्तर आ रहा है तो बोल, अन्यथा इसी वक्त मर जाए। तो उसने कहा उत्तर तो आ रहा है, इसलिए बोलना ही पड़ेगा। उत्तर मुझे ये आ रहा है कि जिसने मंत्र पढ़ के युवती को जगाया वो तो पिता तुल्य, उसने जन्म दिया, इसलिए वो विवाह नहीं कर सकता, वो तो कट गया। जिसने अस्थियां संभाली और रोज गंगा में स्नान कराया वो पुत्र तुल्य है, कर्तव्य है, सेवा, उससे शादी नहीं हो सकती। प्रेमी तो वही है जो धूनी रमाए, राख लपेटे, भूखा प्यासा मरघट पी बैठा रहा, न कहीं गया न कहीं आया, विवाह तो उसी से, लाश छूटी जाके वृक्ष से फिर लटक गई क्योंकि ये आदमी बोल गया। ऐसी 25 कहानियां चलती। जीवन में तुम चूकते हो जब भी मूर्छा पकड़ लेती, जब भी तुम होश खो देते, जब भी जागे हुए नहीं होते, तत्क्षण जीवन का सूत्र हाथ से छूट जाता है। जब भी तुम जरा से अशांत हो जाते हो, विचार की तरंगें चल जाती, तभी जीवन का सूत्र हाथ से छूट जाता है, क्योंकि विचार की तरंग और तुम वर्तमान से च्युत, इधर उठी तरंग उधर तुम हटे वर्तमान से, वो विक्रमादित्य हार गया। वो फिर ऐसी 25 कहानियां चलती हैं पूरी रात, और हर बार चूकता जाता है, हर बार चूकता जाता है, 25वीं कहानी पर संभल पाता है। हर कहानी में ज्यादा हिम्मत बढ़ती है, साहस बढ़ता है, ज्यादा देर तक रोकता है, ज्यादा देर तक विचार की तरंगें नहीं अंकंपित करती। 25वीं कहानी आते आते कहानी चलती रहती है, विक्रमादित्य सुनता रहता है, भीतर कुछ भी नहीं होता। जीवन एक तैयारी है, यहां बहुत कुछ है तुम्हें उलझा लेने को, बाजार है पूरा, मीना बाजार, वहां सब तरफ बुलावा है, उत्सुकता को, जिज्ञासा को, मनोरंजन को, प्रश्न है, विचार की सुविधा है, सोच विचार का उपाय है, चिंता का कारण है, सब तरह के उलझाव हैं। अगर तुम इस सारे संसार से ऐसे गुजर जाओ जैसे विक्रमादित्य उस मरघट से बिना बोले चुप और जागा हुआ 25वीं कहानी पे गुजर सका, तो ही तुम वर्तमान क्षण की अनुभूति को उपलब्ध होगे। अन्यथा तुमने वर्तमान जाना ही नहीं है, तुम वर्तमान से गुजरे जरूर हो, क्योंकि और कोई जगह नहीं जहां से तुम गुजरो, लेकिन बेहोश सोए हुए गुजरे हो, या तो अतीत में खोए हुए गुजरे हो या भविष्य में डूबे हुए गुजरे हो। वर्तमान से तुम्हारा कभी तालमेल नहीं बैठा, वर्तमान से संगीत नहीं छिड़ा, वर्तमान के साथ स्वर नहीं मिले। वर्तमान से स्वर मिल जाए तुम पाओगे एक ही है, अनेक उसके रूप है, एक है सागर, अनेक हैं लहरें,